जो पहले यहाँ बना हुआ था वहाँ बना हुआ था सब टूट गया। सुविधा तो है बहुत, आप होना चाहिए। जैसे क्या आप ट्रेन मैंने चले तो सर ठीक है, उसका तो यहाँ दुकान कुछ नहीं है स्टेशन पे, यानी दुकान होनी चाहिए, इसका नाम बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं केवल इस तिलैया जंक्शन में, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ सुविधा होनी चाहिए? सुविधा तो है बहुत, आप होना चाहिए। जैसे क्या आप ट्रेन मैंने चले तो सर ठीक है, ट्रेन समय से नहीं आती। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। अजय जी जानना चाहते हैं कि एक समय था कि तिलैया स्टेशन पर लोग आना भी नहीं चाहते थे, डर का भय बना रहता था, लेकिन आज आने वाले समय में तिलैया स्टेशन तो काफी विकास किया है, जंक्शन भी बना है, और इसमें ऐसा क्या लगता है कि और सुंदर होना चाहिए? पहले तो इसका नाम चेंज होना चाहिए, तिलैया के नाम पर चल जाता है कोडरमा तिलैया। अच्छा हाँ, तो तिलैया हाँ, कुछ ऐसे नहीं जानता है तो तिलैया के नाम बोलने पर चल जाता है कोडरमा तिलैया। अच्छा, और उसका तो यहाँ दुकान कुछ नहीं है स्टेशन पे, यानी दुकान होनी चाहिए, इसका नाम बदलनी चाहिए। आप यंग है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना रहा है रेलवे अधिक से अधिक विकास करे, क्या आपको लगता है कि और यहाँ क्या होना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि नवादा जिला में यही एक ऐसा है कि जो जंक्शन है तो मेरे ख्याल से यहाँ से दूर चलने वाली आउट ऑफ स्टेट ट्रेन की मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दी जाए, जैसे कि यहाँ से दिल्ली के लिए दो गाड़ी एक आध गाड़ी चलाया जाए, कलकत्ता के लिए एक आध गाड़ी चलाए, क्योंकि गया से लोग जाते हैं वो सही है, लेकिन ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से चारों तरफ का रूट खुला हुआ है, तो यहाँ से आप चला सकते हैं, तो इसलिए एक सुविधा देनी चाहिए सरकार को थोड़ा सा। क्या शुभ नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम जी, सभी को है कि यहाँ दिल्ली के लिए भी गाड़ी रुकनी चाहिए, और जो जंक्शन इस क्षेत्र में तिलैया ही है, ये और भी विकसित हो और तिलैया का नाम भी बदला जाए, इसलिए कि लोग तिलैया के नाम पे कोडरमा तिलैया को लोग मानते हैं, और सुविधाओं का भी बहुत सारा अभाव है, लेकिन आने वाले दिनों में बदलाव होगा और विकसित और आदर्श स्टेशन के रूप में तिलैया जाना जाएगा। आप देख रहे हैं जब इस स्टेशन का स्थापना हुआ था एक पुराना बिल्डिंग है, लेकिन अब ये बिल्डिंग सिर्फ दर्शन के लिए रह चुका है, नए बिल्डिंग का निर्माण तिलैया स्टेशन पर उधर हो रहा है। आप लोग का ये पार्किंग की व्यवस्था है क्या कि आप अपने तरीके से लगाते हैं? आने के बाद जब यहां से अन्यंत्र राजगीर के लिए बाजार जाने के लिए यात्रियों को जब गाड़ी पकड़ना होता है तो इस स्थल पर टोटो की व्यवस्था रहती है, उनके सेवा के लिए रिक्शा हो, टोटो हो, अन्य गाड़ियां यहां पर उपलब्ध रहती है, ताकि आम व्यक्ति को आने जाने में किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब एक सुंदर पार्किंग की भी आवश्यकता है, जो यहाँ के यात्रियों ने कहा कि एक सुंदर पार्किंग की व्यवस्था हो और सुरक्षा की भी व्यवस्था हो। मैं जब तिलैया जंक्शन पर आया हूं तो यहाँ के और भी कई समस्याओं ने जो यहाँ के यात्रियों के साथ साथ गाड़ी के जो छोटे छोटे गाड़ी के वाहन मालिक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भी अपनी एक शिकायत है। मैं आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, क्या शैलेंद्र जी क्या आपको ऐसा समस्या नजर आ रहा है? हमको समस्या आ रहा है कि यहाँ सबसे पहले पब्लिक के लिए यात्री शेड होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। जो पहले यहाँ बना हुआ था वहाँ बना हुआ था सब टूट गया, उसका व्यवस्था होना चाहिए, और गाड़ी लगाने के लिए सुंदर पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, इन्हें की जैसे तैसे लगा देता है, पब्लिक को दिक्कत होता है आने जाने में। यानी पार्किंग के घोर अभाव के वजह से आम यात्रियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यही आप लोग कहना चाहते हैं ना कि एक पार्किंग हो, लाइटिंग हो,
और भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम आप लोगों को भी किसी तरह से सुविधा मिलता रहे। सुविधा नहीं है, पार्किंग भी लगता है, स्टेशन रोड भी सही नहीं, पार्किंग लगता है, पार्किंग पार्किंग लेता है, ये लेता है, लेता है यहाँ का आदमी लेता है, अभी यहीं पर पार्किंग लेता दिया जाता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी बात है जो गाड़ी चालक है उनका कहना है कि 20 रुपया हम लोगों को टैक्स के रूप में भी दिया जाता है, वैध है या अवैध इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और जो भी मूलभूत समस्या रेलवे स्टेशन का है उसको निदान करने की आवश्यकता रेलवे को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की सांसद को भी इसमें सुध लेने की आवश्यकता है। मैं अरविंद मिश्रा केवल सच न्यूज से। मालिक का नाम भी नहीं दिया हुआ है, उठो ने राजीव कुमार।